hello everyone welcome back in anju english academy today we are going to discuss most important mcqs from class 10 poem 2 fire and ice and for each question i'm going to give you 10 seconds so let's start with the question number one ट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस आपको बताना है फायर एंड आइस पोएम किसने लिखी है ऑप्शन ए लेजल बी रोबर्ट फ्रोस्ट सी कैरोलिन वेल्स या फिर डी रोबिन क्लेन योर टाइम स्टार्ट स्नाओ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रोबर्ट फ्रोस्ट वट इज़ फायर अ सिम्बल लॉफ इस पॉय में फायर किस चीज़ का सिम्बल है ऑप्शन ए लव एंड न्यू डिज़ायर्स बी लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स सी लव एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग या फिर दी रेवोल्यूशन सो योर टाइम स्टार्ट सुनाओ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स तो इस पोएम में रॉबर्ट फोस्ट हमें बताते हैं कि जो दुनिया है ये खत्म होने वाली है एंड द वर्ल्ड विल एंड इन टू वेज आइदर बाय फायर और बाय आइस और जो फायर है वो सिम्बलाइज करता है इंसान की असीमित इच्छाओं को जब इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो आग का रूप लेकर इस दुनिया को ख़त्म कर देंगी वट विल फायर डू टू द वर्ल्ड आग से इस दुनिया का क्या होने वाला है ऑप्शन ए Put the word to an end B. Put the word to a new beginning C. Make the word developed F a D none of the above. So your time starts now. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पुट द व टू एन एंड फायर से ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फायर इज द सिंबल ऑफ एंडलेस डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश इसमें आपको पैरिश का मीनिंग बताना है ऑप्शन ए ब्लूम बी राइस सी डाई या फिर डी ग्लो योर टाइम स्टार्ट्स ना हो So, the right answer is option C, die. What is the meaning of suffice? Option A, insufficient. B, destroy. F is C, sufficient. Your time starts now. So, the right answer is option C, sufficient. Suffice means sufficient. वट would सफ़ाइज इफ़ द वर्ड were टू पेरिश twice? तो इसमें आपको बताना है वट इज़ सफ़िशियंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ड अगर इस दुनिया को ख़त्म होना हो एक दिन तो उसके लिए ऐसी क्या चीज़ें जो सफ़ाइज़ होगी या फिर सफिशियंट होगी ऑप्शन ए आइस बी फायर सी हेट्रेड या फिर डी बोथ वन एंड टू योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू यानी कि आइस और फायर ये दोनों सफिशियंट हैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए वट डज़ द पॉइट कंपेयर आइस विद इस पॉइंट में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने आइस को किसके साथ कंपेयर किया है ऑप्शन ए हेटरेट बी डिज़ायर सी हॉट या फिर डी बोथ वन एंड थ्री योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेटरेड आइस इज कम्पेयर विथ हेटरेड यानी कि इंसानों के बीच की जो नफरत है उसे पोइट ने कंपेयर किया है आइस से वट वुड बी बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ अगर इस पृथ्वी को ख़त्म होना हो इस दुनिया को ख़त्म होना हो तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द पोइट सो ऑप्शन ए फायर बी आइस सी बोथ आर इक्वली कंपिटेंट या फिर डी नन योर टाइम स्टार्ट नाउ तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ आर इक्वली कंपिटेंट यानी कि फायर एंड आइस बोथ आर इक्वली कंपिटेंट एंड आर बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ इस अर्थ को इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए फायर और आइस दोनों ही इक्वली सफिशियंट हैं ओके वट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इस पोएम की राइम स्कीम बतानी है आपको और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ए बी ए ए बी सी बी सी बी नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर तो इस लाइन की आपको पोइटिक डिवाइस रिकोगनाइज करनी है ऑप्शन ए एसोनेंस बी एलिट्रेशन सी नन या फिर डी बोथ योर टाइम स्टार्ट नाउ सो द राइट ऑप्शन इज डी बोथ इसमें एसोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है जैसे कि हम देखते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में ओ वोवल साउंड रिपीट हो रहा है होल्ड में ओ है दोज में ओ है और फिर हु में भी ओ है तो वोवल ओ की वजह से इसमें एसोनेंस भी है और फेवर फायर में एफ़ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो एफ कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से इसमें एलिट्रेशन भी है सो so दोनों ही इसमें है एसोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है Name the poetic device used in the line. Some say the word will end in fire. Option A metaphor, B imagery, C alliteration, FD oxymoron. Your time starts now. So the right answer is option B imagery. Name the poetic device used in the line to say that for destruction, ice is also great. Option A metaphor, B imagery, C alliteration, FD oxymoron. Your time starts now. I repeat to say that for destruction, ice is also great. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इमेजरी इसमें भी इमेजरी है क्योंकि पोइट है जो इमेजिन कर रहे हैं कि एक दिन क्या होगा कि बर्फ़ से आइस से ये दुनिया इतनी ठंडी हो जाएगी कि ये एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी एकदम ख़त्म हो जाएगी कभी तो वो कल्पना करते हैं पोइट की फायर से खत्म हो जाएगी ऑन द अदर हैंड वो कंपेयर करें आई से और कह रहे हैं आई से भी ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है तो दोनों ही सेंटेंसेस में इमेजरी है क्वेश्चन 11 में भी और क्वेश्चन नंबर 12 में भी

वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो दुनिया है एक दिन आइस से ख़त्म होने वाली है ऑप्शन ए बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट बी बिकॉज हेटरेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट सी बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट या फिर डी नन ऑफ द अबव योर टाइम स्टार्ट्स ना हो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट लोगों के बीच की जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है और इसीलिए पोइट ने इस पोएम में लोगों के बीच की जो नफरत है उसे आइस से कंपेयर किया है सो बी आंसर इज़ करेक्ट हाउ मैनी पॉपुलर व्यूज़ डज़ द पोइट प्रजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड तो ये दुनिया ख़त्म होने वाली है इसके बारे में कितने पॉपुलर व्यूज़ पोइट ने इस पोएम में बताए हैं ऑप्शन ए थ्री बी टू सी वन या फिर डी फोर योर टाइम स्टार्ट now. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू पोइट ने दो व्यूज बताए हैं एक तो ये आई से दुनिया खत्म होने वाली है और दूसरी फायर से खत्म होने वाली है सो स्टूडेंट्स फायर इन दिस पोयम सिम्बुलाइजेज एंडलेस डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स वेयर एज आई द हेट्रेड अमंग द ह्यूमन बींग्स सो आई होप पी एम सी क्यूज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग